नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और पूरी दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इस बीच दिल्ली एम्स ने मंकी पॉक्स को रोकने को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है, फैसला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मंकी पॉक्स बीमारी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, इसे लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामले को लेकर SOP जारी की गई है, जिसके मुताबिक बुखार, दाने या संक्रमित मंकी पॉक्स मामले के संपर्क में आने वाले मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए हैं। एम पॉक्स बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है। और एक तरह की वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई देशों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट पे, हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों PM की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पे समीक्षा की गई थी, क्योंकि बीते दिनों WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बचाव कैसे करना है, अगर इस पर काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है। WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अफ्रीकन रीजन में हुआ है, जहां पर कि मंकीज के साथ ह्यूमन कंटैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर होता है, रैश होता है, मसल पेन होता है और इसमें स्कैब्स आते हैं जो कि पहले फ्लैट होते हैं, बाद में फ्लूइड से भर जाता है पर पच्चूल का फॉर्म लेता है। मंकी पॉक्स इस वक्त अफ्रीका में एक आउटब्रेक हुआ है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स की बात की जाए, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और RML, इन तीनों हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए वार्ड भी बना दिए गए हैं। और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज्यादातर जो ये मामले हैं, ये कई बार इम्यूनिटी ठीक होने से ठीक हो जाते हैं। इसके लक्षण कोविड की तरह नहीं है, तो इसको हम कोविड की तरह एक महामारी नहीं कह सकते। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं एयरपोर्ट्स पर, और पूरी तरीके से जो है वो स्कैनिंग की जा रही है, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का भी ज्यादा से ज्यादा पता चले। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिक ने पहली बार साल 1958 में की थी, जब बंदरों में मंकी पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और दिल्ली मेट्रो के अंदर तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को ताश के पत्ते खेलते हुए देखा जा सकता है। कभी बेझिझक रील बनाना तो कभी मस्त मौला अंदाज में डांस करना, दिल्ली मेट्रो में यह आम होता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल्ली मेट्रो का बताया जा रहा है, जहां मेट्रो के फर्श पर बैठकर कुछ लोगों ने मंडली सजा रखी है। आपका स्वागत है। और वो कपड़ा बिछाकर ताश के पत्ते खेलते हुए देखे जा रहे हैं।
इसमें सारी मर्यादाओं को दरकिनार रखते हुए ये लोग ताश खेल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई दिख नहीं रहा। वहाँ पर मौजूद लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक शख्स वीडियो बना लेता है, हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला ताश खेलने वालों का साथी हो। दिल्ली मेट्रो में आपने अब तक लोगों को अजीबोगरीब हरकत करके रील बनाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो हैरानी भरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर मरोकी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब दिल्ली मेट्रो जुआरियों का भी अड्डा बन गया है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो को देश की राजधानी की लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। मेट्रो के आने से दिल्ली के लोगों का सफर आसान हुआ है, तो वहीं समय की भी बचत हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोगों ने इसे रील बनाने का अड्डा बना लिया है। नाच गाने से लेकर दूसरे वीडियो भी लगातार सामने आते रहते हैं। मेट्रो वीडियो बनाने को लेकर लगातार अपनी गाइडलाइन बनाता रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पीड़िता के माता पिता ने अस्पताल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अस्पताल की लापरवाही बरतने की बात कह चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप केस की पीड़ित डॉक्टर के परिवार वालों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सीधे सीधे अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार वालों ने साफ कहा है कि अगर उनकी बेटी की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई है तो जिम्मेदारी अस्पताल की ही है। परिवार के मुताबिक अस्पताल ने ना तो घटना के तुरंत बाद और ना ही अब तक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सवाल उठाए हैं कि अस्पताल ने परिवार को घटना की जानकारी इतनी देर से क्यों दी। अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हत्या की बात छुपाकर बेटी के सुसाइड करने की बात क्यों कही। पीड़ित परिवार के अस्पताल पहुंचने के बाद भी 6-7 घंटे तक उनसे किसी ने बात क्यों नहीं की। अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिवार से बात क्यों नहीं की। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन के कामकाज में कुछ गड़बड़ियां पहले से थीं और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसके काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरे हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हम फोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दही कर रहा है पहले से। घटना के बाद से आरजी कर अस्पताल लगातार मामले की लीपापोती की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की बात सामने आई, उस कमरे से सबूत मिटाए जाने का भी अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने घटना के तुरंत बाद उनकी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं।
what was the principal doing? Why did he not, one, why was this kind of inaction on the part, first, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. कोलकाता की घटना के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जहां अस्पताल का काम जांच में सहयोग करने का था, वहीं अस्पताल प्रशासन पर लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जाहिर है अस्पताल संदेह के दायरे में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। ये टास्क फोर्स अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजामों को परखेगी, साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी सुझाव देगी। और महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आक्रोशित परिजन स्कूल के गेट को तोड़कर स्कूल में दाखिल हो गए। दूसरी तरफ स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों ने ट्रैक जाम कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल पुलिस स्कूल के दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौके पर की गई है। बदलापुर में भीषण बवाल, गुस्साए लोगों का हंगामा, यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा, स्कूल में बच्चियों से गंदी बात, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर, ये तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गयी। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद
हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बदलापुर की इन दो बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ऐसे समय पर हुई जब पहले ही देश कोलकाता रेप कांड जैसी भयावह घटना से दहला हुआ है और आए दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। बदलापुर की इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल का ही 23 साल का सफाई कर्मी है, जहां ये हर रोज पढ़ने जाती थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया। दोनों बच्चियों के परिवार ने मेडिकल जांच कराने की मांग की और थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।